अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा उर्दू ट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक इस्लामी आमदनी सर्टिफिकेट्स के बारे में कि बैंक इस्लामी का आमदनी सर्टिफिकेट क्या है और ये कितने महीने के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई थोड़ी बहुत सेविंग है तो आप घर में रखने के बजाय उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक इस्लामी के इन अकाउंट्स के अंदर या इन सर्टिफिकेट्स को बाय कर सकते हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और ना सिर्फ आप इस पर हलाल मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बगैर कोई वक्त ज़ाय किए हुए हम चलते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में। बैंक इस्लामी की वेबसाइट ओपन है bankislami.com.pk। पर्सनल के ऑप्शन में हम चले जाते हैं या यहाँ पर हम अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारे अकाउंट्स सामने आ गए हैं। तो हम बात करेंगे आज इस्लामी आमदनी सर्टिफिकेट के बारे में। इस्लामी आमदनी सर्टिफिकेट्स आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा जिस पर आप अपनी इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और बैंक का नुमाइंदा आपसे फिर रब्ता कर लेगा। अदरवाइज़ आप यहां से पहले लर्न मोर कर लीजिए, मज़ीद मालूमात समझ लीजिए, देख लीजिए कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस अकाउंट की और कैसे आप ये सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों जो फीचर्स हैं उसमें यह है कि ये हलाल प्रॉफिट ऑफर कर रहे हैं मेच्योरिटी के ऊपर। जब भी आपका ये सर्टिफिकेट मेच्योर होगा, जो भी इसका पीरियड है वो कम्प्लीट होगा, तो आपको मुदारबा बेस ये प्रोडक्ट है, आपको उस पर प्रॉफिट दिया जाएगा। तो फ्री इंटरनेट बैंकिंग सर्विस है, होल्ड मेल एंड स्टॉप पेमेंट फैसिलिटी भी मिलेगी आपको, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स भी अवेलेबल हैं जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। 100% इंटरेस्ट फ्री है, ये अवेलेबल इन पाक रुपीज़ होगा। टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 महीना 3 महीना 6 महीना और इसी तरह 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल तक के लिए है। मिनिमम अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपये से आप ये इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और सर्टिफिकेट्स बाई कर सकते हैं आमदनी सर्टिफिकेट्स। और प्रॉफिट और लॉस की जो पेमेंट है वो मेच्योरिटी डेट पर ही होगी, मेच्योरिटी से पहले नहीं प्रॉफिट या लॉस आप पर लागू होगा। और इसके अलावा प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो अनाउंस किए जाएंगे आपको एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और आप राउंड द क्लॉक इन्हें कॉल कर सकते हैं बैंक इस्लामी को। 111 इस्लामी पे आप कॉल कर लें या 111-475-264 या 111-247-111 पर आप कॉल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, यकीनन वो भी आपको यही बताएंगे। पर्सनलाइज्ड सर्विस फ्रॉम कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, आपको पर्सनलाइज सर्विस दी जाएगी। जो भी रिलेशनशिप ऑफिसर होगा वो आपसे जो है बहुत ज़्यादा डीप में तमाम चीज़ें शेयर करेगा। फ्री 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट फैसिलिटी भी है आप। तो दोस्तों मज़ीद चीज़ें देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले बीच में मैं आपसे को इंटरप्ट कर रहा हूँ सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलती रहें। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स में अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप इंडिविजुअल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं तो पासपोर्ट आपको शो करना होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना होगा जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ की पे स्लिप या आपका जो एम्प्लॉयमेंट नंबर वगैरह है वो आपको शो करना होगा। अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ओपनिंग फॉर्म के साथ साथ अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट नॉन रेजिडेंट्स के लिए और NTN सर्टिफिकेट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने शो करनी होगी। अगर आप पार्टनरशिप पर हैं, कोई क्लब आपका है, सोसाइटी है, एसोसिएशन, NGO या ट्रस्ट आप चला रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको अपने बिजनेस का प्रूफ देना होगा, आपको ट्रस्ट डीड देनी है, आपको सर्टिफाइड पार्टनरशिप जो है उसकी कॉपी देनी है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये थोड़े डॉक्यूमेंट ज़्यादा हैं वैसे तो इस हवाले से कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन सैलरीड पर्सन है उनके लिए इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं अभी आपको बता देता हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन। तो बिजनेस पर्सनस के लिए इसके अलावा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रूल्स चाहिए, इसके अलावा सिग्नेचर ऑफ ऑल पार्टनर ऑन लेटर ऑफ पार्टनरशिप अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, कॉपी ऑफ आप बाय लॉज चाहिए, कॉपी ऑफ NTN सर्टिफिकेट, CNIC ऑफ ऑल पार्टनर्स, पासपोर्ट्स अगर पाकिस्तान में नहीं रहते तो पासपोर्ट्स चाहिए। इसके अलावा लिमिटेड कंपनी अगर आप चला रहे हैं तो आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगे, सर्टिफिकेट फॉर कमिटमेंट्स ऑफ बिजनेस देंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, करंट लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन,
सीनाइसी ऑफ ऑल डायरेक्टर्स और कॉपी ऑफ एनटीएन सर्टिफिकेट एंड फॉर्म 29। फॉर्म 29 गालबन कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो लिमिटेड कंपनी के हवाले से रिक्वायर्ड होता है, तो ये चीजें आपको शो करनी होंगी। अब कुछ FAQs देख लेते हैं। विल द कस्टमर गेट एनी प्रॉफिट ऑन हिज हर इस्लामी आमदनी सर्टिफिकेट इफ द कस्टमर इन कैशेज विदड्रॉज हिज हर फंड्स बिफोर द मेच्योरिटी डेट। अगर मेच्योरिटी डेट से पहले कस्टमर जो है वो अपना आमदनी सर्टिफिकेट इन कैश करवा लेता है तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपको वो जो ड्यूरेशन है, आपका जो टेन्योर है, वो आपको कंप्लीट करना है। कम से कम एक महीने का जो पीरियड है वो कंप्लीट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं मिलेगा। विल देयर बी एनी पेनल्टी इफ द कस्टमर विदड्रॉज द फंड बिफोर द मेच्योरिटी डेट। क्या कोई पेनल्टी होगी अगर आप पैसे पहले निकलवा लेते हैं या इनकैशमेंट करवा लेते हैं अपने सर्टिफिकेट की? तो जनाब नो, देर इज नो पेनल्टी टू पनिश कस्टमर्स, तो कोई पेनल्टी नहीं है। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट है ये, सिर्फ 10,000 से आप ओपन करवा सकते हैं ये अकाउंट और सर्टिफिकेट आप बाय कर सकते हैं। बैंक इस्लामी के टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं इसको आप, लेकिन इसका जो बैंकिंग नेम है वो है बैंक इस्लामी आमदनी सर्टिफिकेट। तो अब हम चलते हैं प्रॉफिट रेट्स की जानेब के कितना प्रॉफिट आपको इन सर्टिफिकेट्स पे मिलेगा, और अभी जून के महीने में कितना प्रॉफिट अनाउंस किया गया बैंक की जानेब से। तो ये अकाउंट्स के ऑप्शन में हम जा रहे हैं दोबारा से, और यहाँ हमें नज़र आ रहा है रेट्स का ऑप्शन। रेट्स के ऑप्शन के अंदर जून में हम देख रहे हैं जून के महीने में कितना प्रॉफिट मिला टर्म डिपॉजिट के ऊपर, आमदनी सर्टिफिकेट्स के ऊपर। तो ये देखिए प्रॉफिट पेमेंट एट मैच्योरिटी 30 डेज के ऊपर इन्होंने दिया है 4.1501%। ये 10,000 से 50,000 तक के दरमियान अगर इन्वेस्टमेंट आपने किए तो उसका रेट बता रहा हूँ आपको। इससे आगे के रेट्स और मुख्तलिफ हैं, यानी 50,000 से ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाखों कर रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर है। मैं अभी आपको 10,000 से 50,000 तक की रेंज का बता रहा हूँ प्रॉफिट। 30 दिन का जो दिया गया है वो दिया गया है 4.1501%, और अगर आपका ये जो ड्यूरेशन था अगर 3 महीने का था तो 3 महीने के आमदनी सर्टिफिकेट पे 4.00001% दिया गया है। 6 मंथ्स के ऊपर ज़रा ज़्यादा है, 6 मंथ्स के ऊपर आपको 4.5% दिया गया है, और इसी तरह अगर 1 साल का है तो 5.25% है, और अगर 2 साल का है तो फिर आपको 5.4851% है। तो इसी तरह ये रेट्स हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव रेट्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा अपने तौर पे भी। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया बस दे दिया है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंक इस्लामी की जानिब से। बैंक इस्लामी आमदनी सर्टिफिकेट्स आप बाय कर सकते हैं बासानी, और हलाल प्रॉफिट सूद से पाक मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।